नमस्कार आदाब दोस्तों, स्वागत है घोसी लाइव में। जैसा कि हम जान रहे हैं कि धीरे धीरे चुनावी सरगर्मी जो है बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमें लगता है कि चंद दिनों बाद नामांकन की भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उहापोह की स्थिति में राजनीतिक दलों द्वारा अपने उम्मीदवारों की तस्वीर धीरे धीरे साफ की जा रही है। इसी कड़ी में जहाँ कल देर शाम भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आई जिसमें उन्होंने अपने विधायक विजय राजभर पर भरोसा जताया है, वहीं आज कांग्रेस पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी की जिसमें जो राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की थीम चल रही लड़की हूँ लड़ सकती हूँ और 25% भागीदारी की जो बात कह रही थी 40% की, उस भागीदारी के तहत उन्होंने तमाम कयासों पर प्रश्न लगाते हुए 354 घोसी विधानसभा से प्रियंका यादव को उम्मीदवार बनाया है। एक बात बताते चलें कि इनके पति पूर्व में 2019 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ चुके हैं और उन्होंने कांग्रेस पार्टी का बेहतर प्रदर्शन किया था और इस वक्त चुनाव के दल लिए पूरी तरह से पार्टी से अधिकृत होने के बाद घोसी नगर में ये लोग हैं, ये राजमंगल जी हैं और ये जो प्रत्याशी हैं प्रियंका यादव जी, और हम बात करते हैं कि क्या सोच रहती हैं। एक तो बहुत बहुत स्वागत घोसी लाइव में प्रियंका जी। बड़ा अच्छा रहा है कि प्रियंका जी ने आपको टिकट दिया ना। आप महिला हैं और महिला पर भरोसा जताया उन्होंने, आपकी पहली वरीयता क्या रहेगी? पहले तो मैं प्रियंका दीदी ने मुझ पर विश्वास किया है, टिकट दिया है, तो मैं उनके दिए हुए कामों का निर्वहन करूंगी और प्रगति करूंगी। ठीक है, देखिए एक नया प्रयास है और ये अभी पहली बार वो घर से निकली हैं और ठीक है आगे आएंगे, उनके पति भी उनसे उधर के धन्यवाद। हमारे मीडिया के साथीगण, मैं इस आज कवरेज के माध्यम से इस घोसी जनता को आभार व्यक्त करता हूं कि हमारी पार्टी ने और अपने शीर्ष नेतृत्व हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, आदरणीय अजय कुमार लल्लू और जिले के जितने भी फ्रंटल संगठन और पदाधिकारी हैं, मैं सबका आभार प्रकट करते हुए इस अपने घोसी जनता का आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि इस बार फिर मुझे चुनाव लड़ने का मौका दिया, मैं इसलिए आम जनमानस का धन्यवाद देना चाहता हूं। और जिस तरह पड़ोसी राज्य में जिस तरह लालू प्रसाद यादव के बाद राबड़ी देवी का राज्य में पदार्पण हुआ, उस तरह की थीम यहां पर तैयार हो रही है कि राजमंगल के बाद उनकी पत्नी प्रियंका जी आ रही हैं। अभी चुनावी अभियान है, आगे फिर इसी तरह की चुनावी अपडेट के साथ हम मिलेंगे अगले पड़ाव तक। धन्यवाद।